us. Check the pulse quickly. Yes, sir. Are the vitals? Stable. Can you sedate the patient now? Yes, sir. Excuse me. What book are you reading? Can I have a look? मतलब अगर आपका पढ़ के हो गया हो तो. ये यहाँ वाली नहीं है. ये मेरी है. Oh, okay. This is not a book. This is the book. एक गीता है. श्रीमद् भगवद गीता. क्या हुआ? वो क्या है ना? मेरी माँ भी भगवत गीता पढ़ती है. सीरियसली डूड. क्यों, मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ इसलिए हंस रही हो? नहीं, मैं कब से देख रहा हूँ तुम डेटिंग ऐप पे स्वाइप किए जा रही हो. मैं तो हंसा नहीं. एक मिनट, पहली बात तो ये डेटिंग ऐप नहीं है और मैं कुछ भी करूँ इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. ओके, और मैं भी इतनी देर से देख रही हूँ कि आप इसे पढ़े जा रहे हैं. क्या उखाड़ लेंगे इसे पढ़ के आप? हाँ, ओवा, क्या भाषा है. इट्स नॉट योर फॉल्ट. क्या है, तुम्हारी तरह हर कोई आजकल मानसिक उलझनों से ही गुजर रहा है. मैं जानता हूं लोगों के पास सुख है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है. और मन की शांति हमें किसी दवा से नहीं मिलती. उस मानसिक समस्या को सुलझाने के बाद ही मन को शांति मिलती है. देखो, ये जो भगवत गीता है ना, उसे पढ़ने के बाद सारी मानसिक समस्याओं का समाधान हो सकता है. अशांत मन जो है ना हमारा, वो शांत हो जाता है. अच्छा, तो मन बहलाना है ना आपको. इतनी सारी मैगजीन्स आपके सामने, इनको पढ़ के मन शांत कर लो. ये बात सही है. तुम्हारे मन को शांत करने के लिए ये सारे मैगजीन्स तो तुमने पढ़ लिए, फिर भी तुम्हारा मन तो अशांत ही है. कितनी रेस्टलेस हो. आई एम सॉरी बेटा, मेरे मुंह से निकल गया फ्लो में. आई एम रियली सॉरी बेटा. By the way, I'm Dinesh Mehta, beta. It's okay, but I'm not your beta. I'm Rash. Don't rush. Rashi. What's your Rashi? That's my name. I'm sorry. Actually, mood change करने के लिए मैं कहानी सुनाता हूँ. ऑलमोस्ट 20 साल पहले की कहानी है. मैं लगभग तुम्हारी उम्र का ही रहूंगा. तैयार तो मैं हो रहा था अपनी शालू से मिलने के लिए. मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इतने चक्कर काटे उसके घर के. माय गॉड, उसने हाँ बोला पहली डेट के लिए. बस सब लग रहा था कि कहीं लाइफ सेट होने वाली है. उससे पहले पापा आ गए. मेरे पापा की और मेरी बहुत खास नहीं बनी कभी. चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, हमेशा उनके गुस्से का शिकार मैं ही बनता था. हमेशा आग बबूला रहते थे वो. मम्मी तो बेचारी कभी कुछ कहती नहीं थी, लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे मोगेम्बो दयावान बन गए. अब हमारी सारी परेशानियों का अंत आने वाला है.
बचपन से लेकर जवानी तक जितना भी मेहनत किया ना, वो अब रंग लाया है। देख बेटा, मेरे बाप ने यानी तेरे दादाजी ने विरासत में मुझे कर्जे के अलावा कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं तुझे देकर जाऊंगा खुशियां ही खुशियां। ये ले, अब अपना घर भी बिकने से बच जाएगा और तेरी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी। डायरेक्ट IIT मद्रास। ओ भाई साहब, अबे देख क्या रहा है लल्लू, 1,00,000 रुपए का चेक है इस पते पर। पता देख पहले, उल्टा कर उसको। हाँ, इस पते पर पहुंचाना है। चल चल। पापा जी का काम तो समझ गया था मैं, सब कुछ ठीक ही होने वाला था। मैंने सोचा पहले अपनी खुशियां बना लूं, चेक उसके बाद दे देंगे। और शालू भी तो वेट कर रही थी। अब टैक्सी में शालू भी थी, मैं भी था, प्राइवेसी भी थी और मोमेंट भी था। तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। कैसा डिस्ट्रैक्शन? ओ, शालू थी ना साथ में, इसलिए डिस्ट्रैक्ट हो गए आप। हाँ, शी इज माय वाइफ। पर उस चेक का क्या हुआ फिर? चेक चेक कहाँ गया वो? हाँ, वो चेक एक्चुअली टैक्सी में ही रह गया था, वो मुझे उस पते पर जाकर पता चला। वो टैक्सी वाले को टैक्सी मैंने कितनी ढूंढी, आजू बाजू सब जगह देखा, वो कहाँ से मिलती, कैसे मिलती मुझे वो। और चेक न पहुँचने की खबर तो पापा जी तक शायद पहुँच ही गई थी। अब उनके सामने मैं कैसे जाता? नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी। मैंने सोचा अब शायद वो मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेंगे, अब तो मार पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन तभी खाने को दे, नहीं है तेरे पास? जो तू ढूंढ रहा है ना, मिलेगा, विश्वास रख, मिलेगा। उसका ये विश्वास और खुशी देख के मुझ में भी हिम्मत आ गई और मैं फटाक से उठा टैक्सी ढूंढने। वेट 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 वेट, लेट मी गेस, आपको टैक्सी मिल गई? पापा मिल गए। फिर मैंने उस टैक्सी वाले को गौर से देखा, वो सेम टैक्सी वाला। और तुम मानोगे, वो जो चेक था ना, चेक, वो उसी टैक्सी की बैक सीट पे गिरा था। बस तब से मैं ये मानने लग गया कि भगवान जो है वो उसका विश्वास बरकरार रखने के लिए किसी न किसी को जरिया जरूर बनाता है। बस तब से लेके आज तक भगवान और उसके संकेतों को जानने की कोशिश जारी है, और यही कोशिश करते करते मैं भगवत गीता तक पहुंच गया। भगवत गीता का कोई भी पन्ना खोलकर पढ़ोगे ना, तो तुम्हारे मन को विचलित करने वाले किसी भी सवाल का जवाब तुम्हें उस पन्ने पर मिल जाएगा। ये अद्भुत बात है श्रीमद् भगवत गीता की। क्या? एक मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कुछ भी। देखिए, सेम टैक्सी का वहां मिलना, इट कैन मेली बी अ कोइंसिडेंस, ओके? इसमें भगवान कहां से आ गए? और ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर टैक्सी स्टैंड आसपास है तो जाहिर सी बात है कि आपको सेम टैक्सी वहाँ मिल ही जाएगी, है ना? और वो इंसान, वो भी तो पागल था ना, उसने आपको वैसे ही बोल दिया होगा। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि वो आदमी नहीं, स्वयं भगवान आ गए मॉर्गन फ्रीमैन के रूप में। मॉर्गन नहीं, वो पागल का नाम नहीं मालूम मुझे। हाउ डू आई टेल यू नाउ,
ओ माय गॉड का अक्षय। ए तुम्हें विश्वास मत रखना है, मत रखो, लेकिन मेरी मान्यता का मजाक मत उड़ाओ इस तरह से। ओके आई एम सॉरी, सी आई डिडंट रियली मीन टू हर्ट यू, यू नो, बट मेरे लिए ना ये सब समझना थोड़ा मुश्किल है। ये भक्ति, शक्ति, पूजा पाठ, इन सब मैं बिलीव नहीं करती। मैं भगवान को ना सिर्फ गिव एंड टेक के लॉजिक से समझती हूँ। बताऊँ क्यों? मेरी मम्मी से बड़ा कोई भक्त नहीं है। उन्हें लगता है कि ये सब करने से ना जिंदगी के सारे हल मिल जाते हैं। राशि इधर आओ, हाथ जोड़ो और प्रार्थना करो। ईश्वर से कहो कि घर में बहुत खुशहाली हो, पापा की तरक्की हो, हमें नया घर मिले और तुम्हें एक बहुत अच्छा लड़का मिले। करो। और मेरी माँ पहले भगवान को परेशान करती है और फिर मुझे। गुड मॉर्निंग मम्मा। हे गुड मॉर्निंग। सोलह सोमवार का व्रत था ना तेरा? ओ नॉट डन। मम्मा कोई तरक्की के लिए या मेरी खुशियों के लिए व्रत का ऑप्शन नहीं है क्या? है ना, तू वैभव लक्ष्मी का व्रत कर ले, तू संतोषी माता का व्रत कर ले, उसे एक अच्छा पति मिलेगा। जैसा कि मेरी मम्मी चाहती थी, पापा को प्रमोशन मिल गया, तरक्की मिल गई, विदेश भी चले गए, नया घर भी मिल गया और साथ में नई बीवी भी। और मम्मा को क्या मिला? डिवोर्स। किसका? अब आप ही बताइए सर, जब भी कोई इंसान भगवान पर भरपूर विश्वास करता है उसी के साथ सबसे ज्यादा बुरा क्यों होता है? तेरी माँ को ही देख लो, इतना पूजा पाठ करती थी, होम हवन करती थी, जिस इंसान के लिए करती थी ना वो उसे छोड़ के चला गया और मेरी माँ आज यहाँ हॉस्पिटल में तड़प रही है। डू यू थिंक शी रियली डिजर्व दिस? नो आई डोंट सो। मिस्टर दिनेश, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं, इट्स रिगार्डिंग योर वाइफ। मेरी मदर? उनका कुछ कह नहीं सकते, उनकी सिचुएशन क्रिटिकल है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब अच्छा होगा, भगवान में श्रद्धा रखो। उस दिन मेरा चेक खो गया था और वो पागल की बात सच निकली, जैसे उसे किसी ने भेजा हो मेरे लिए। मेरे जैसा नास्तिक भी आस्थावान हो गया बेटा। राशि मैं ये श्रीमद् भगवद गीता यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हारे मन में कोई भी दुविधा हो तो सच्चे मन से श्रीमद् भगवद गीता को पूछ लेना, तुम्हें तुम्हारी दुविधा का जवाब मिल जाएगा, विश्वास रखो। फिर भी तुम्हारा मन तो अशांति है, कितनी रेस्टलेस हो। सारी मानसिक समस्याओं का समाधान हो सकता है, मन को शांति मिलती है। राशि इधर आ, हाथ जोड़ो। भगवद गीता का कोई भी पन्ना खोलकर पढ़ोगी ना तो तुम्हारे मन को विचलित करने वाले किसी भी सवाल का जवाब तुम्हें उस पन्ने पर मिल जाएगा। माँ ठीक हो जाएगी ना? माँ पापा के बिना रह पाएगी? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? ये गीता सच में मेरे सवालों को जवाब देगी। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेया शीतोष्णा सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्य तस् तक्षस भारत। हे कुंती पुत्र, जिस तरह तुम्हारी इंद्रियों को होने वाला अनुभव सर्दी, गर्मी या दुख और सुख की उत्पत्ति करता है, जो कि क्षणिक और अस्थायी होते हैं, समय के साथ बदल जाते हैं, हे मनुष्य, तुम्हें इन बदल जाने वाले भावों से अब प्रभावित होकर सहनशीलता लानी चाहिए। मैम
योर मदर सर्जरी वेंट वेल, आप उनको थोड़ी देर में मिल सकते हो। वो वहां दिनेश जी बैठे हुए थे, आपने देखा उन्हें? वो कहाँ है? वो उधर ऑपरेशन थिएटर गया। ओके थैंक यू। You can call me बेटा। और आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। Just hold on for a second. I'm just getting out of the car. One minute, huh? Yeah. Yeah. Now say. Hi, Ari. Mummy ke treatment ke liye main ja nahi payi unke saath. This is all because of my job interview. You know. I wish I could go. Chal. Chal. I gotta go. Bye. Kal karti hu. वैसे आप अपना ख्याल रख रहे हैं ना? अरे बाबा, उसका भी ख्याल रख रहा हूँ और मेरा भी ख्याल रख रहा हूँ। लो, राशि का नाम लिया और आ गई। कैसी हो तुम? बुलाइए ना उसे। कैसा रहा इंटरव्यू? अच्छा हो गया। ये लो तुम्हारी मॉम। हाय मामा, हाउ आर यू? आप तो बड़ी फ्रेश लग रही हो। वाओ, हाउ इज पंचकर्मा वर्किंग फॉर यू? डॉक्टर्स कह रहे हैं एक सिटिंग और लगेगी, बट आई एम मिसिंग यू बेटा। Missing me or missing dad? आपको पता है पापा ने आपके लिए व्रत रखा था सोमवार का। एक्चुअली व्रत इसलिए रखा था कि मुझे खाना ठीक से नहीं मिल रहा है इसलिए। सीरियसली डैड, मतलब नॉट फेयर। मैं इतना ही बुरा खाना नहीं बनाती हूँ। मामा आप एक काम करो, अब आप ना जल्दी से यहाँ आ ही जाओ, बिकॉज़ सैंपल इज मिसिंग इट। नहीं, खाना अच्छा बनाती है, मैं तो यूं ही ऐसे ही। ठीक है ठीक है, चलो ओके ओके, माफ किया। अच्छा एक बात बताओ,